हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फोन डुअल सिम का है और उसमें एक सिम काम नहीं कर रहा है, एक सिम में आपका बिल्कुल डेटा नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल तीन टिप्स बताऊंगा ऐसे, जिसको आप कर लेंगे तो आपके फोन के अंदर जो डुअल सिम नहीं आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हमारे फोन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको वो कौन सी सेटिंग चेक करनी है, जिससे कि आपके फोन के अंदर अगर एक सिम काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आपका फोन कोई भी ब्रांड का होगा, मैं आपको वीवो फोन के ऊपर बता रहा हूं, तो आपको जो मैं इस वीडियो में टिप्स बता रहा हूं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले अगर आपके फोन के अंदर डुअल सिम का स्लॉट है और आप जिस स्लॉट में लगा रहे हैं जिसमें सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, अपने सिम के स्लॉट को चेंज करना है। यानी कि पहले स्लॉट में अगर आपका सिम काम नहीं कर रहा है तो दूसरे स्लॉट का जो सिम है वो पहले वाले स्लॉट के अंदर लगाना है और स्वैप करके, यानी कि स्लॉट को स्वैप करके आपको देखना है और फिर चेक करना है कि क्या वो पार्टिकुलर सिम सेकेंड वाले स्लॉट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस स्लॉट के अंदर भी काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपके सिम के अंदर प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर है। वो सिम एक स्लॉट के अंदर अगर काम कर रहा है और दूसरे में भी काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सिम बिल्कुल ठीक है, आपके स्लॉट के अंदर प्रॉब्लम है। तो पहला काम तो आपको यही करना है। और अगर ये कर लिए और फिर भी आपका नहीं तो पहले स्लॉट के अंदर काम कर रहा है नहीं दूसरे स्लॉट के अंदर काम कर रहा है, तो आपका सिम ही बिल्कुल गड़बड़ है, इसलिए आपको सिम चेंज करना होगा। लेकिन पहले स्लॉट में काम नहीं कर रहा, दूसरे में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, उसी तरह से आपको पहला स्टेप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फोन को रीसेट करना है। इसका जो भी सेटिंग आप बहुत सारे छेड़ देते हैं सेटिंग को ठीक करने के चक्कर में, उससे क्या होता है कि आपके फोन के अंदर जो नॉर्मल सेटिंग होती है वो सेटिंग चेंज हो जाता है और आपको पता नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे सिस्टम जैसे दिख रहा है, तो इस तरह का सिस्टम का एक ऑप्शन होगा, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रीसेट ऑप्शन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है रीसेट के ऊपर। और यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, रीसेट ऑल सेटिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पूरी सेटिंग को रीसेट करना है। अब जब आप यहाँ पे अपनी सेटिंग को रीसेट करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी वाईफाई का पासवर्ड होगा, ब्लूटूथ का पासवर्ड होगा, ये सारे पासवर्ड आपके हट जाएंगे और नए पासवर्ड आएंगे। यानी कि आपके फोन के अंदर जो सेटिंग है वो सारा चेंज होगा, कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बस आपके फोन के अंदर का जो सेटिंग है, जो पासवर्ड है, वो सारी चीजें चेंज होंगे। तो आपको इसको रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है, यहाँ नीचे पे टैप करेंगे रीसेट हो जाएगा और रीसेट होकर थोड़ी देर के बाद फिर आपका फोन नॉर्मल हो जाएगा और आपका सारा सेटिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपने सिम को यूज करना है स्लॉट में जिसमें काम नहीं कर रहा था, उसमें चेक करना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तब तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे ठीक हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर आपको एक काम और करना है, फिर से आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेटवर्क सेटिंग का, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जा करके और आपको चेक करना है कि आपके फोन के अंदर जो भी सिम डाला हुआ है वो सिम दोनों एनेबल है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, नेटवर्क के अंदर गया, सिम के अंदर, तो मेरे फोन के अंदर सिर्फ एक सिम डाला है, तो एक ही सिम का यहाँ पे आइकन हाईलाइट है और दूसरे का आइकन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही सिम को प्रॉपरली एक्टिव करना है, आपको एनेबल करना है, अगर एनेबल नहीं होगा तो सिम डिटेक्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपका कोई गलती से यहाँ पे
फ्लाइट मोड ऑन तो नहीं कर दिया है, अगर फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा तो उस केस में भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये तीन चीज आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद से आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक बार लास्ट आप ये कीजिएगा कि अपने फोन को पहले स्विच ऑफ करके और फिर से स्विच ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से आप फिर से सिम डालिएगा तो भी आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कभी कभी स्विच ऑन ऑफ करने से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो फिर मैं आपके लिए दूसरा वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।